चुनावी दिनों में प्रदेश का मौसम भी बार बार पलटी मार रहा है। कभी तेज गर्मी तो कभी तेज बारिश हो रही है। इस अप्रैल यानी आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दिन मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। आज के दिन राजस्थान के 19 जिलों में बादल छाने के साथ आंधी चल सकती है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। वहीं बात करें सीकर की, तो सीकर में गुरुवार को पारा सीजन में पहली बार 40 डिग्री के पार पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार पारा 10 दिन की देरी से 40 डिग्री पर पहुंचा है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार इस साल 27 मार्च को ही पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया था। इसके बाद लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण अप्रैल के पहले 3 सप्ताह पारा 36 से 37 डिग्री के करीब बना रहा। चुरू जिले में गर्मी के तेवर बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को धूप तेज रही। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक गर्मी के कारण सड़कों पर आवागमन कम रहा। पिछले 24 घंटे में तापमान में 1.7 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.4 एवं न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री रहा, जबकि इससे पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 38.7 एवं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा। 24 घंटे में अधिकतम तापमान 1.7 एवं न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं अगर हम झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू जिले में गुरुवार को तेज धूप के बीच दिन का तापमान 1.4 डिग्री बढ़कर 40.9 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 4 से 5 दिन तक गर्मी बढ़ने से अधिकतम तापमान 43 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहने और मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में विक्षोभ सक्रिय होगा। इस क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनेगा। इससे बादल छाने और बारिश की संभावना है, विशेषकर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में। राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू जिलों में दोपहर के बाद हल्के बादल छाने की संभावना है और कहीं कहीं धूल भरी हवा भी चल सकती है। इस मौसमी बदलाव के बारे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आवश्यकता के अनुसार आवश्यक तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार 26 और 27 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। इससे तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जाएगी। 27 अप्रैल के बाद वापस राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लोकल 18 सीकर से राहुल मनोहर की रिपोर्ट।